गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम अंबिगरा चौड़ैया केव को आए हैं। ये भी जैसे कि हमारा जो पुराना वीडियोस है उसमें जो भी 12th सेंचुरी का केव्स बोलकर मेंशन किए थे, ये भी 12th सेंचुरी का केव है। अंबिगरा चौड़ैया उन्होंने यहाँ पर रहते थे। अंबिगरा चौड़ैया के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाव चलाते थे, हमारे जो भी त्रिपुरांत लेक है उस पर नाव चलाते थे, तो नाव चलाते चलाते अपना जीवन बिताते थे। और जो हमारा अनुभव मंडप था, अनुभव मंडप में मेंबर थे और सभी शरणों का जो भी डिस्कशन होता था उस डिस्कशन का भाग थे। और जो भी समाज में जो भी चल रहा था उस टाइम में उसके बारे में जो खुला बोलते थे, जैसे कि बहुत ही एक कट्टू टीकाकार थे, मीन्स बहुत ही एक स्ट्रिक्ट क्रिटिक्स थे उस टाइम का जो भी समाज के बारे में, बहुत ही मीन्स बिना डरे हुए कहते थे। ये अंबिगरा चौड़ैया का एक शॉर्ट स्टोरी है। और बाकी जो हमारे कलीग हमारे फ्रेंड राहुल कहना चाहते हैं, राहुल आप कहिए। जैसे कि अभी हर्षा बोले है अंबिगरा चौड़ैया के बारे में आप सबको, उसी तरह देखिए अभी अंबिगरा चौड़ैया के प्लेस हम यहाँ पे आए हैं आज के दिन। वहाँ पे एक केव है और हर्षा यहाँ पे एक केव है, क्योंकि अंबिगरा चौड़ैया जो यहाँ पे आके सभी के साथ समाज कल्याण के साथ कल्याण के लिए डिस्कशन करते थे और सभी के साथ सभी शरणों के साथ मिल के जो भी स्ट्रिक्टली रूल्स आप जैसे कि बोले अभी, उसी तरह के एक स्ट्रिक्टली सभी को एक मैसेज देते थे कि समाज कल्याण के लिए ऐसा ऐसा एक कार्य करना चाहिए। तो इसके बारे में देखिए अभी आप जैसे बोले संतोष, आप कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में? नहीं सर, कि आप अभी बोले ना स्ट्रिक्टली थे बोलते, ये बहुत जो वचनकार है वो जैसा थे कि ऐसा एक नॉर्मल जैसे वचन लिखते थे, नॉर्मल जो आसानी से सबको समझ में आना चाहिए, एकदम स्मूथ है वो। तो ये थोड़ा अलग थे, इनका जो रेटिंग था, इनका जो सोचना था और इनका जो सामाजिक जो सुधारण था वो थोड़ा इनका थोड़ा अलग था, जो जैसा लगता था जैसे कि ये बहुत कठोर है दिल से, लेकिन जो दिल से कहते थे बहुत ही ओपन खुला दिमाग से कहते थे। और इनका जो एक ही था कि जैसे भी हो जाए लेकिन समाज को सुधारना चाहिए। सही है, लेकिन रैशनल थिंकर थे नो। ये उनका केव है, उनका केव ओपन कर रहे हैं संतोष, पता नहीं लाइट शायद कनेक्शन नहीं होगा। सर हेलो, आ जाइए अंदर। देखिए सर, अभी इधर एक दो शिवलिंग है। हम भी घर चढ़ गया, यहीं रहते थे, इसी प्लेस में रहकर जो भी, और इस प्लेस से 1 किलोमीटर दूर लेक है, उस लेक में अपना कार्य करते थे, नाव चलाना, जो लोगों को यहाँ से वहाँ उस पार से उस पार लेकर जाना उनका कार्य था। और उनका एक किस्सा भी ये है कि जो भी नाव में आते थे उनके बारे में बढ़ रहा, उनके बारे में जो भी इंट्रोडक्शन वो सभी लेते थे, उन्होंने क्या करते हैं, उनका काम क्या है, और उनमें जो भी दुष्गुण हो, मीन्स जो भी बैड हैबिट्स हो उसके बारे में जान लेते थे। और उनको एक धमकी देते थे कि अगर तुम ये बैड हैबिट्स नहीं छोड़े तो मैं तुम्हें डुबा दूंगा इस लेक में, बोलकर एक धमकी देते थे। मीन्स जो भी करो अच्छा करो बोलने का उनका एक तरीका था। अगर ऐसा नहीं रहेंगे, अच्छा कार्य नहीं करेंगे, तो आपको इसी तालाब में डुबा दूंगा, इस तरह के एक डायरेक्टली मैसेज देते थे डरा के, जैसे कि हर्षा बोले। तो देखिए अभी उनका दूसरा जो केव है यहाँ पे, ये पहले तो आपने देखे है, अभी ये देखिए दूसरा केव है यहाँ पे। अंबिगरा चौड़ैया जो बहुत महान शरण थे, हर्षा देखिए यहाँ पे अभी मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ।
तो देखिए ये अंबिगढ़ चौड़िया की मूर्ति है हर्षा। तो ये देखिए कितना पुराना केव है। हाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी, और उतना हाइट भी नहीं है, मेरे ख्याल से 6 फीट होगा हर्षा। हाँ। 6 फीट के आसपास। बहुत ही एक अच्छा प्लेस है। बहुत ही अच्छा एक फोटोशूट के लिए आए थे 6-7 महीना पहले यहाँ पर। जो अभी ये देख रहा है लेकिन ये अभी बनाया हुआ है जो बाहर से दिखता है, लेकिन आप साइड में देखेंगे ना तो बड़े बड़े पत्थर दिखेगा जैसा पहाड़ है, पहाड़ में जैसा बनाया है, कोरक के बनाया है। यहाँ से आपको मूर्ति दिखने में मिलेगा। स्वर्ण जी का मूर्ति गवर्नमेंट के अंडर में जाने के बाद इसका जो प्रोग्रेस वर्क जो किया है नया अभी जो भी मरम्मत किया है तो मतलब पर रिकवर वर्क किया गया है ना। हाँ। तो वो अभी 2011-12 में बनाया है। हाँ। 10 साल पीछे। हाँ। तो उस टाइम पे जो केरला के आर्टिस्ट आके तमिलनाडु के आर्टिस्ट आके जो बनाया है जैसे कि पुराना था तो उसी तरह के बना के इसको एक दिशा देंगे वर्क जो है ना बनाया गया है। और ये एक ही पत्थर का पूरा जैसे कि वर्ल्ड ऐसा ही रहता था सभी तरफ। हाँ। आपको तो पता है अरेवड़े पटकल बाजा में जहाँ पे हम देखते हैं वर्ल्ड टेम्पल्स वहाँ पे ऐसा ही रहेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे बनाया गया है। तो ये रहा आज का ब्लॉग, यहीं से हम कंप्लीट करेंगे अपना ब्लॉग। तो आज के बारे में आज जो भी इस प्लेस में आए हैं बहुत ही एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट प्लेस है। उस टाइम में जो भी शरणार्थ थे उनमें कोई भेदभाव नहीं था, जैसे कि एक चम्मा से लेकर एक प्रधानमंत्री बसवेश्वर तक सभी इक्वल मानते थे और सभी मानवता में विश्वास रखते थे। इसलिए आज तक हम उनके नाम लेते हैं। यही उनके जो खूबियाँ थी उनके रास्ते पर हम एटलीस्ट 0.001 भी हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदरमय बन जाएगा। यही ये आज का ब्लॉग का एक संदेश है। और ये हमारे साथी दोनों संतोष और राहुल
उनके तरफ भी ये संदेश है। राहुल आप जो कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो। संदेश तो देखिए हर्षा, जैसे कि ये महान महान व्यक्ति जो दिया गया है सभी को संदेश, उसी पर उनके राह पर चलना चाहिए। और जैसे भेदभाव का एक नाटक आया था, वो भेदभाव निकल देना चाहिए सबके मन से। जब तक मन से भेदभाव नहीं निकलेंगे तब तक भेदभाव चलता रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा एकता से एक नजर से देखना चाहिए और सर्व समान समझ के चलना। संतोष आपका क्या है कहना? सही है सर, क्योंकि जब तक हम जो जात भेदभाव है ना, ये हम निकाल नहीं देंगे समाज से, तो हमारा समाज सुधरेगा नहीं तब तक। क्योंकि देखो जहाँ भी देखो वही चल रहा है कि ये जात इनका जाति है, इनका जाति है, ये अलग है, ये अलग है, कोई अलग नहीं है। जो ये सब महान व्यक्ति है वो उसी जमाने में जहाँ हम बोलते हैं कि 12वीं सदी में, तो वो सदी में वो बोल के चले गए कि सब जात एक ही है, मानव जात है बस, और दूसरा कोई जात नहीं। ये सब हम लोग बनाए हमारे जो मतलब के लिए बनाया, हमारे काम के लिए बनाया, लेकिन कोई अलग जात नहीं है, सभी एक ही है, इंसान ही है। तो सब हम इंसान बोल के समझ के चलना चाहिए सब, बस ये छोटा सा मैसेज आप कुछ नहीं। ओके, ये हमारा तीनों का राय था, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। माय फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।